तो 27,000 करोड़ रुपए तुम्हें चंदा कहां से मिला? कौन सी कंपनी है? कौन लोग हैं? देश से कितने, विदेश से कितने? तो सरकार बोलती है हम कागज नहीं दिखाएंगे, पर मोबाइल फोन में तक घुस गए। इसराइल से एक सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं और जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं उनके फोन में घुस के उनके फोन का टैपिंग कर रहे हैं कि नागरिक किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पुलिस एक क्रीपी अंकल की तरह रोज सुनती रहती है। भाई फराज भाई, बिलाल भाई, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, तमाम संगठन जो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में है और तमाम जामिया के छात्र, आपने मुझे दावत दी कि मैं आऊं और आपके बीच में अपनी बात रखूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं। इस इनकलाब की कायद, इस इनकलाब की कयादत जामिया के छात्र कर रहे हैं। मैं आपकी सॉलिडारिटी में आया हूं। मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम छात्रों को, मैं सलाम पेश करता हूं मिनहाज को जिसकी एक आंख चली गई 15 दिसंबर की रात जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इस गेट के अंदर घुस के पुलिस ने तो बर्बरता करी, उसकी एक आंख जिंदगी भर के लिए चली गई। उस मिनहाज को मेरा सलाम। लदीदा, आयशा, चंदा, अख्तरिस्ता, जामिया की तमाम लड़कियों जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया है, इनकलाब का परचम लहराया है, उन तमाम जामिया की लड़कियों को मेरा सलाम। 2019 जब खत्म होने को आया था तो कुछ न्यूज घूम रही थी, न्यूज घूम रही थी कि 2019 में सबसे बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन कहां हुए, तो कुछ लोगों ने बोला कि हांगकांग में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि चिले में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कुछ सालों पहले तहरीर स्क्वायर नाम की एक जगह मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर बहुत फेमस हुई थी कि वहाँ अरब स्प्रिंग आई थी, वहाँ एक बहार आई थी जिसने वहाँ बहार आने के बाद वहाँ के तानाशाह हुसैन मुबारक को गिरा दिया था। अगर 2010 और 2019 मिस्र, हांगकांग और चिले के लिए जाना जाता है तो 2020 हिंदुस्तान के लिए जाना जाएगा। सर्दी का मौसम है, सर्दी खत्म होने वाली है और मोदी और अमित शाह से हमारा वादा है कि सर्दी खत्म होने के बाद जब बहार आएगी तो वो बहार जामिया लेकर आएगा। और जिस तरीके से अरब स्प्रिंग ने वहां के तानाशाह को हटा दिया, जामिया की बहार और भारत की बहार यहां के तानाशाहों को हटाएगी। जिग्नेश ने बताया कि हमारे मोटा भाई का बयान, बोला कि एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो मुझे याद आया उन शाहीन बाग की दादियों के बारे में जिन्होंने बोला हम एक मिलीमीटर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तानाशाह ये बात बोलते हैं कि वो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो वो हर एक बात जो हमने उनके बारे में बोली है वो सच साबित करते हैं। हमने बोला है कि ये लोग गुंडा राज चला रहे हैं, हमने बोला है कि ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, हमने बोला है कि ये लोग लोकतंत्र और बातचीत में विश्वास नहीं करते, हमने बोला है ये लोग फासीवादी हैं। अपने बयानों से आज वो हमको सही साबित कर रहे हैं। कोई और सरकार होती और उस सरकार का इतना विरोध होता कि 100 से ऊपर याचिका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई है और देश में लाखों लोग विरोध कर रहे हैं, तो डिमांड मानना या ना मानना दूर की बात, एटलीस्ट बात तो करने आती। अगर बात नहीं करके, अगर बात नहीं करके अमित शाह इस किस्म का बयान दे रहे हैं तो ये साबित कर रहे हैं कि उनको लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो एक चीज और साबित कर रहे हैं, एक चीज और हम इनके बारे में बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये लोग झूठे हैं। तो जब वो बोलते हैं कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे तो ये झूठ है, क्योंकि एक इंच नहीं, आप कई किलोमीटर पीछे ऑलरेडी जा चुके हैं। जो एनआरसी आपके लिए ट्रुप का इक्का था, जो आपका ट्रंप का
कार्ड था, जो आपके इलेक्शन के मैनिफेस्टो में था, जो आप जगह जगह घूम के बोलते थे कि देश भर में एनआरसी कराया जाएगा, 2024 से पहले एक एक घुसपैठी को चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा, जो रामनाथ कोविंद हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा था, जिसके बारे में संसद के अंदर आपने इतनी बारी बात करी, अगर आप आज मजबूर हुए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में जाके खुलेआम झूठ बोलते हैं और उस एनआरसी को डिसोन करना शुरू कर देते हैं, तो यह हमारी लड़ाई की पहली जीत है। इनके बयानों से, और रोज वो बयान देते हैं कि जेएनयू के अंदर कुछ नारे लगे थे तो उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग को सबक सिखाया जाएगा। होम मिनिस्ट्री में किसी ने आरटीआई दर्ज करी, बोला ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, जरा टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स कौन है, तो होम मिनिस्ट्री का रिप्लाई आया कि टुकड़े टुकड़े गैंग नाम का कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये भी एक झूठ है, क्योंकि मुझे लगता है इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग एग्जिस्ट करता है। उस टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने पहले नोटबंदी और जीएसटी लाके अर्थव्यवस्था के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब एनआरसी एनपीआर और सीए लाके वो हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के भाईचारे के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के असली टुकड़े टुकड़े गैंग को हम यहां से बताना चाहते हैं, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, तुम्हें जितनी लाठियां बरसानी है बरसा लो, तुम्हें जितनी धमकियां देनी है दे लो, तुम्हें जितने जेल में डालने डाल लो, ये लड़ाई जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे हक अधिकार हम सुनिश्चित नहीं कर लेते, जब तक एनआरसी सीए को वापस नहीं कर देते। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अमित शाह साहब के बयानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहावत आपने सुनी होगी, खाली बर्तन शोर बहुत मचाते हैं, ये खाली बर्तन है, इनके अंदर कुछ नहीं है। और आज इस देश की महिलाओं ने इनको बेनकाब किया है। ये बोलते हैं कि हम राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को खुली चुनौती देते हैं कि सीए पे डिबेट करो, तो हम आपको खुली चुनौती देते हैं हमारे साथ सीए पे खुला डिबेट करो। अरे कुछ नहीं तो हमारी शाहीन बाग की उन दबंग दादियों के साथ खुला डिबेट करो सीए के ऊपर। बहुत दिन गुजार लिया गुजरात में, अब कुछ दिन गुजार तो लीजिए शाहीन बाग में। अब शाहीन बाग एक इलाके का नाम नहीं है, शाहीन बाग एक जज्बे का नाम है। तो जज्बा ना थकता ना रुकता ना झुकता और ना डरता। अब जामिया एक विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, बहादुरी का दूसरा नाम जामिया है। और आप लोग जो मोहम्मद अली जौहर और जाकिर हुसैन की विरासत को आज आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा देश आपकी तरफ उम्मीद की नजर से देख रहा है। इन्होंने इतना क्रोनोलॉजी समझा दिया है और इतना झूठ फैला दिया है कि कुछ चीजें एक बार फिर से स्पष्ट करने की जरूरत है। हमने बोला हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम, लेकिन मुझे लगता है ये नारा थोड़ा पुराना हो गया है। ये नारा इसलिए पुराना हो गया है कि अब उनका चाल जो है वो थोड़ी सी बदल गई है। अब वो पहले एनआरसी लेके नहीं आएंगे, अब उन्होंने एक नया नाम दिया है एनपीआर। और एनपीआर और एनआरसी में उतना ही फर्क है जितना फर्क अजय सिंह बिष्ट और योगी आदित्यनाथ में है। और डेट देखिए, डेट दी है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को नॉर्मली अप्रैल फूल्स डे बोला जाता है, तो 1 अप्रैल को देश को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग एनपीआर लेकर आ रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि एनपीआर का एनआरसी को लेना देना नहीं है, जबकि आप होम मिनिस्ट्री के अगर वेबसाइट पर जाकर देखें तो एनपीआर एनआरसी का पहला कदम होगा। अब ये एनआरसी असम की तरह नहीं करेंगे, अब का एनआरसी एनपीआर से ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि
एक अफसर आपके घर आएगा, आपके घर आके आपसे डिटेल लेके जाएगा, ये पूछेगा आपके वालदेन कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, उस डिटेल के आधार पे ऑफिस जाके एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बना के आपके नाम के सामने डी लगा देगा, संदिग्ध नागरिक, डाउटफुल सिटीजन, फिर आपको लाइन में लगाया जाएगा। अगर इतना बड़ा डेटाबेस सरकार कुछ छोटे अफसर बनाने लगे और जिसको नागरिकता से जोड़ा जाए, 1955 का नागरिकता कानून जो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बदल दिया था, अगर उसको नागरिकता से जोड़ा जाए तो सरकार उस डेटा के आधार पे अपने हर विरोधी से नागरिकता छीन सकती है। तो हम सिर्फ कागज नहीं दिखाएंगे, वहां तक सीमित नहीं रह सकते, अब हमको बोलना पड़ेगा कि एनपीआर के अफसरों को हम अपने इलाकों में अपने घरों में नहीं आने देंगे। अगर एनपीआर के अफसर हमारे घरों में आते हैं तो हम उनको अपना कोई डिटेल नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, ये अपने दिमाग से ख्याल हटा दीजिए कि हम एनपीआर के अफसर को कोई डिटेल देंगे या हम कागज दिखाएंगे। हिंदुस्तान से हमारा कागज का नहीं दिल का रिश्ता है और ये बात आप समझ नहीं सकते। एक आखिरी बात मैं बोल के खत्म करना चाहूंगा, ये सरकार कर क्या रही है देश के अंदर? हमने तो आज बोलना शुरू किया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन सरकार पिछले 5 साल से बोल रही है कि वो कागज नहीं दिखाएगी। सरकार से पूछा गया कि हमारे प्रधान सेवक ये दावा करते हैं कि वो चाय बेचने वाले हैं, तो एक आरटीआई फाइल करी गई और पूछा गया कि कौन से स्टेशन में चाय बेचते थे, तो सरकार ने बोला हम कागज नहीं दिखाएंगे। हमारे प्रधान सेवक उन्होंने बोला कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, तो लोगों ने बोला जरा बता दीजिए वो डिग्री दिखा दीजिए आरटीआई करके, उन्होंने बोला हम कागज नहीं दिखाएंगे। और ये बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, सरकार ऐसे कानून लेकर आई है, वो चाहती है कि सिटीजन नागरिक जो है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो, नागरिक क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या सोचता है, किससे प्यार करता है, उसके माता पिता कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, सारा डिटेल। जो लोग रोजे से है उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि रोजे का इंतजाम यही है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रोजे का इंतजाम यही है। तो ये हमसे हमारे बारे में हर एक डिटेल निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन अपने आप कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट है। अगर सरकार एक कानून लेकर आई है, उस कानून के अनुसार सरकार को चंदा कहां से मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन फंडिंग कहां से हो रही है, उसको देश के नागरिकों को जानने का कोई अधिकार नहीं। आप सोचिए 27,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने डिक्लेयर 27,000 करोड़ रुपए 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खर्च किए। अब ये सवाल पूछना चाहिए कि इतना पैसा जब देश में इतनी भुखमरी है, जब देश में हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जब देश में इतनी बेरोजगारी है, तो 27,000 करोड़ रुपए तुम्हें चंदा कहां से मिला, कौन सी कंपनी है, कौन लोग है, देश से कितने, विदेश से कितने, तो सरकार बोलती है हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब तो वापस आने के बाद आरटीआई का कानून, सूचना का कानून, उसमें बदलाव ले आए हैं कि हम सब, हमारा जो सबसे बड़ा हथियार था इस देश के गरीबों के पास कि आरटीआई करके सूचना मांग ले कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतने करोड़ लगाए थे तो कितने करोड़ खर्च किए और कितने करोड़ खा लिए, तो उस आरटीआई के कानून को ही उन्होंने खत्म करने की साजिश रच ली है। तो ये कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं, हर जगह घुस गए हैं, हमारे घरों में घुस गए हैं। उनका नारा हुआ करता था हर हर मोदी घर घर मोदी, सिर्फ हमारे घरों में नहीं, हमारे जहनों में नहीं, हमारे मोबाइल फोन में तक भी घुस गए हैं। इसराइल से एक सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं और जो लोग अपनी आवाज उठाते हैं उनके फोन में घुस के उनके फोन का टैपिंग कर रहे हैं कि नागरिक किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पुलिस एक क्रीपी अंकल की तरह रोज सुनती रहती है, वो कितना घबरा चुके हैं। एक बात बोली जाती है कि सरकार से नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, नागरिकों से सरकार को डरने की जरूरत है। और आज जो ये एकता आप लोगों ने दिखाई
आई है। सरकार को यह उम्मीद नहीं थी जब उन्होंने जामिया पे हमला किया और एमयू पे हमला किया, उससे एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था। नरेंद्र मोदी ने बोला था जो दंगा कर रहे हैं उनको उनके कपड़ों से पहचान लो, एक इशारा था। और उस इशारे के बाद जामिया पे हमला हुआ, उस इशारे के बाद एमयू पे हमला हुआ। जामिया पे हमला करके, एमयू पे हमला करके उनकी कोशिश थी कि इसको हिंदू मुसलमान बनाया जाए, लेकिन वो क्या जानते थे कि अगले दिन देश में 22 विश्वविद्यालय जामिया और एमयू के साथ खड़े हो जाएंगे। जेएनयू में हमला किया और जेएनयू और जामिया के हमले को अगर आप कंपेयर करें तो जहां जामिया में पुलिस उस लाइब्रेरी के अंदर घुस के स्टूडेंट्स को पीट रही थी, मार रही थी, वो रात मुझे याद है कितना खौफनाक मंजर था। किस तरीके से इस गेट से हमारे दोस्तों को उनका हाथ खड़ा करके आतंकवादियों की तरह ले गई थी, डिटेन कर लिया था, रात भर नहीं छोड़ा था। और कंपेयर कीजिए उस रात जो जामिया में हुआ और 5 जनवरी को जो जेएनयू में हुआ। पुलिस खड़ी है, गुंडों को बोल रही है, गुंडों को पूरी सुरक्षा है, जो चाहे 2 घंटे में तुम कर सकते हो, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज इतने दिन गुजर गए हैं और उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो नरेंद्र, जो जिग्नेश भाई ने बोला, यही नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है जहां 2002 से लेकर आज तक इंसाफ नहीं मिला है। आज जब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, नागरिकता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, द राइट टू सिटीजनशिप इज अ राइट टू हैव राइट्स, तो जब हम नागरिकता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम अपने अधिकार बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम नागरिक हैं और नागरिक रहेंगे। अब लड़ाई शिक्षा और रोजगार की होगी, अब लड़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू और जेएनयू, जिन यूनिवर्सिटीज को तुम बंद करना चाहते हो, बोलते हो शटडाउन जेएनयू, शटडाउन जामिया, शटडाउन एएमयू, अब लड़ाई होगी कि देश के हर इलाके में जामिया, जेएनयू और एएमयू जैसी वरिष्ठ विश्वविद्यालय हर देश के पिछड़े इलाके में खुले। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, अब हक और अधिकार की लड़ाई होगी। जो तुम देश को बांटना चाहते हो, एनआरसी और सीए जातिवाद का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, ये जातिवाद को इस देश का नियम बना देना चाहते हैं। जाति प्रथा के हिसाब से सब बराबर नहीं है, जहां आपकी पैदाइश होगी वो जगह आपकी तय करेगा समाज के अंदर। वो चाहते हैं वो जाति प्रथा एक कानून बन जाए। हम जाति प्रथा को 1947 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखना शुरू किया था और वो संविधान पारित हुआ था, तो उस जाति प्रथा को सबसे बड़ा तमाचा हमारे देश का संविधान है। उस संविधान को हम कभी उसको खत्म नहीं होने देंगे। एक आखिरी अपील करके मैं बात खत्म करना चाहूंगा, ये लड़ाई लंबी होने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया और बोला कि स्टे नहीं होगा, तो हम भी बोलना चाहते हैं हमारा विरोध में भी कोई स्टे नहीं होगा। हमारे हक अधिकार वजूद की लड़ाई में कोई स्टे नहीं आएगा, लेकिन हमको तैयार रहना है। ये काफी महीनों तक चलने वाली लड़ाई है, शाहीन बाग की तरह ना थकना है, ना रुकना है, ना झुकना है और ना डरना है। लेकिन उनकी कोशिश रहेगी मीडिया के जरिए, गुंडों के जरिए, कि हमको हिंसक बताया जाए। जेएनयू के अंदर आज आईसी घोष पे ही मुकदमा है, तो उनकी कोशिश होगी कि वो हमको हिंसक बताएं। मेरी आपसे अपील है, वो अपने लोग आपके अंदर प्लांट करेंगे हिंसा भड़काने के लिए, कभी बस जलाने के लिए। आप लोगों से अपील, अगर ऐसा कोई आदमी या आदमी ऐसा कोई दिखे तो उस आदमी को आप प्लीज आइसोलेट कर दीजिएगा, अपना आंदोलन खराब मत होने दीजिएगा। अगर वो डंडा लेकर आएंगे तो हम तिरंगा लेकर आएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो ये भारत का संविधान है, इसको हाथ में उठाइएगा और अपना नारा बुलंद कीजिएगा। अगर वो हमको जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गाते गाते खुशी से जेल चले जाएंगे, देखते किसमें कितना दम है। हम लोग संविधान देश बचाने निकले हैं और ये देश का असली टुकड़े टुकड़े गैंग देश को तोड़ने निकला है, ये नाकामयाब होंगे। जीत हमारी सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।